भारत सरकार और किसानों की पांचवी पंचायत भी फेल हो गई। अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और इसके साथ ही 9 तारीख को एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे। किसान सरकार से हाँ या ना में जवाब चाह रहे हैं। शनिवार को पांचवें दौर की वार्ता के दौरान भी किसान नेता शांत बैठ गए थे। किसान नेता एक पन्ने पर हाँ या ना यानी यस और नो लिखकर बैठे थे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। शनिवार को पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर सरकार और किसान नेताओं की बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। किसान नेताओं ने शनिवार की बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वे हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेंगे, हम किसान आपस में इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद उसी दिन उनके साथ बैठक होगी। वहीं किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि हम कानून रद्द कराकर ही मानेंगे, इससे कम पर हम मानने वाले नहीं। आइए देखें पांचवें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री और किसानों ने क्या कहा। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई, हमने कहा है कि MSP जारी रहेगी, MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये 3 कानून वापस लो और हमारा और कोई रिमांड नहीं है और कोई बात हम नहीं करेंगे। सरकार बात करना चाहा, हम बात करना बंद कर दिया। आखिर में 1-2 घंटा हम चुप रहा, हम बात नहीं करेंगे, हम जो बोलना कह दिया। अभी आपका ड्यूटी है क्या बोलेंगे, यस और नो। 3 अमेंडमेंट नहीं तो पहली फैसला हो गया, नो अमेंडमेंट, तो आप बोलो कानून वापस लेंगे क्या नहीं लेंगे। इसमें हम आड़े रहे तो तब में मिनिस्टर ने बाहर चला गया, 3-4 मिनिस्टर सब बाहर गया, उसे ऊपर नेताओं से बातचीत किया करके वापस आके बोला आपका मनोभाव हम समझ रहे हैं, हम ऊपर से बात शुरू किया है और 1-2 दिन लगेगा, फाइनल करके आपको 2 दिन बाद बताएंगे और 9 तारीख 11 बजे दोबारा मीटिंग करेंगे। तो हम बोले ये विथड्रॉ होगा तो नया एजेंडा लेंगे 11 तारीख। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड आज हम समझा, 9-3 कानून वापस ले गई। जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे तो फिर कहते हैं कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया, 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी, हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि 3 कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चलेगी। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये है ये करवा लो सब करने के लिए तैयार हैं, पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको, अगर इतनी कमी है उसमें वीकनेस है आप क्यों रखते हैं उसको, क्या इंटरेस्ट है आपको, तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल। तो हाँ सरकार ने टाइम लिया बातचीत करने के लिए, जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए कि हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, तो 10 मिनट के बाद सरकार चली गई उठ के हम सोच लेते हैं, उसके बाद वो आए तो उन्होंने ये प्रपोजल रखी कि हमको समा दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट, तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं, उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है। किसान संगठनों ने सरकार से कहा है कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा है कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांग पूरी करेंगे या नहीं।